पेट्रोल डालने से गाड़ी चलती है, पेट्रोल डालने से गाड़ी चलती है, लेकिन हमारा यूट्यूब चैनल तो यूट्यूब टिप्स देने से चलता है। तो चलिए आज मैं लेकर आया हूँ और कुछ नए टिप्स। आज हम बात करेंगे कि आईकार्ड्स को हम और बेटर कैसे यूज कर सकते हैं, जिस वजह से हमें कई सारे और व्यूज आए और हमारी स्ट्रीम व्यू बढ़ जाए। स्ट्रीम व्यू यानी कि अगर आप एक वीडियो को प्ले कर रहे हो और उसमें कोई आईकार्ड को क्लिक कर लेता है तो वो हमारी नेक्स्ट वीडियो पर जाता है, और फिर वहां पर भी आईकार्ड हो तो वो उसमें से नेक्स्ट वीडियो पर जाएगा। इस तरीके से हमारी जो टोटल व्यू आ रही है हमारे चैनल पर, उसे स्ट्रीम व्यू कहते हैं। तो किस तरीके से हम स्ट्रीम व्यू को बढ़ा सकते हैं आईकार्ड्स को यूज करके, इन चीजों पर बातें करेंगे और आईकार्ड्स पर मेन फोकस रखेंगे इस छोटे से इंट्रो के बाद। फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप अपनी वीडियोस में टिप्स देते हो कोई भी चीज को लेकर, कोई भी आइडिया को लेकर या कोई भी टॉपिक को लेकर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 टिप्स देते हो तो आपका जो आखिरी टिप है यानी जो 5वां टिप है उसमें आप अपनी पुरानी वीडियो के बारे में बताइए। इस तरीके से बताइए कि उसमें आप अपनी पुरानी वीडियो की आईकार्ड प्लेस कर सके और उस वीडियो को रेफर करें, और इसी वजह से कई सारे लोग आपके उस आईकार्ड पर क्लिक करेंगे और आपकी पुरानी वीडियो पर जाएंगे और आपकी उस वीडियो को भी देखेंगे। इसी वजह से कई सारे चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपकी स्ट्रीम व्यू बढ़ जाएगी। तो अगर आपकी स्ट्रीम व्यू बढ़ जाएगी तो कई सारे चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका चैनल फास्ट ग्रो कर सके। सेकेंड जो पॉइंट है वो ये है कि कई बार हम आईकार्ड्स को प्लेस करते हैं लेकिन हम आईकार्ड्स को सही से टाइटल नहीं दे पाते, इसी वजह से कई सारे लोग क्लिक नहीं करते हैं। मैं जब भी आईकार्ड को प्लेस करता हूं तो मैं अपने टेक्स्ट में लिखता हूं क्लिक टू सी दिस। तो अगर आप क्लिक टू लिखोगे तो उनको समझेगा कि इस पर क्लिक करना है, तभी जाकर वो नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप क्लिक टू सी नहीं लिखोगे तो नहीं पता चलने वाला है। कई सारे व्यूअर्स को नहीं पता होता है आईकार्ड्स क्या होता है, उस पर क्लिक करना होता है, तो आपको लिखना है उस पर क्लिक टू डू दिस। तो अगर आप क्लिक टू लिखोगे तभी जाकर वो कोई क्लिक करेगा और उसी वजह से कई सारे और व्यूज आएंगे और इसी वजह से आपकी स्ट्रीम व्यू बढ़ जाएगी। तो इस चीज पर फोकस करिए, आप क्लिक टू लिखिए उस आईकार्ड के ऊपर, तभी जाकर लोग उस पर क्लिक करेंगे और इससे बहुत सारे चांसेस आपके बढ़ जाएंगे क्लिक्स आने के। कई बार ऐसा होता है कि हम 10-15 जब वीडियोस बना लेते हैं तो उसमें से एक वीडियो कहीं ना कहीं जाकर सजेस्टेड में जाती है। तो अगर कोई वीडियो आपकी सजेस्टेड में गई है तो आप मेक श्योर करें कि आप उसमें अपनी नेक्स्ट पॉपुलर वीडियो का आईकार्ड प्लेस करें, इसी वजह से आपकी स्ट्रीम व्यू बढ़ जाएगी। तो आप मेक श्योर करें कि आपकी जो पॉपुलर वीडियो है उसमें आप अच्छे से आईकार्ड्स प्लेस कर रहे हो, क्योंकि उस पर ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि व्यूअर्स उस पर आते रहते है क्योंकि वो सजेस्टेड में है, और इसी वजह से आईकार्ड्स पर क्लिक करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आप मेक श्योर करें कि आपकी जो पॉपुलर वीडियो है या फिर जो वीडियो सजेस्टेड में गई है, आप डेफिनेटली मेक श्योर करें कि आप उसमें सही से आईकार्ड्स प्लेस कर रहे हो, क्योंकि वही है सबसे ज्यादा हमें आईकार्ड्स पर क्लिक्स आ सकते हैं। तो सजेस्टेड वीडियो या फिर कोई पॉपुलर वीडियो है उस वीडियो पर फोकस करिए, उन पर चेक कर लीजिए आपने आईकार्ड सही से प्लेस किए हैं या नहीं। फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आप अपनी वीडियोस में आईकार्ड्स को प्लेस करते हो तो आईकार्ड में वीडियो के बदले प्लेलिस्ट की लिंक दीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक देने से बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी स्ट्रीम व्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उस चीज पर फोकस करिए, वीडियो की लिंक देने के बदले प्लेलिस्ट की लिंक दीजिए, इसी वजह से कई सारे व्यूज आपको आ जाएंगे। फिफ्थ जो पॉइंट है वो ये है कि आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने आईकार्ड को 50% ऑडियंस रिटेंशन के बाद प्लेस कर रहे हो अपनी वीडियो के अंदर, क्योंकि अगर आप अपनी आईकार्ड को 50% ऑडियंस रिटेंशन के पहले प्लेस कर देते हो यानी बहुत ही जल्दी प्लेस कर देते हो और उस पर कोई क्लिक करता है और दूसरी वीडियो पर जाता है तो आपकी पहली वीडियो की ऑडियंस रिटेंशन बहुत ही कम हो जाएगी, इसी वजह से वो वीडियो कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो आप मेक श्योर करें कि आप आईकार्ड्स को 50% ऑडियंस रिटेंशन के बाद प्लेस करें यानी 50% वॉच टाइम के बाद प्लेस करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2 मिनट की वीडियो बनाई है तो 1 मिनट के बाद आईकार्ड को प्लेस करें, क्योंकि उससे कई सारे चांसेस बढ़ जाएंगे कि जिस वीडियो में आपने आईकार्ड को प्लेस किया है वो वीडियो भी ग्रो कर जाए। तो ये थे कुछ टिप्स जिन पर आप फोकस कर सकते हो और इससे डेफिनेटली आपकी स्ट्रीम भी ऊपर जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में मजा आया। वीडियो को लाइक करने से वीडियो की रैंकिंग बढ़ती है। तो दोस्तों क्या सोच रहे हो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना? मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।